हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लंच। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में उनसे जुड़े सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से रिलेटेड सभी सवालों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ पहला सवाल है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन है तमिलनाडु ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो पहला सवाल कह रहा है कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन में आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और उत्तराखंड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो नीलगिरी पहाड़ी है वह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है, दक्षिण भारत की पहाड़ी है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ये दक्षिण भारत में नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। उड़ीसा भी आंसर नहीं होगा, उत्तराखंड भी आंसर नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों ने दक्षिण भारत की पहाड़ी से ही हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया कि इसका आंसर तमिलनाडु होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है उसका विस्तार तीन राज्यों में, तमिलनाडु में तो है, साथ ही साथ केरल और कर्नाटक, इसमें भी हमें नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले सवाल, दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहाड़ी है, पर्वत है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के मिलन स्थान पे है, जहां तीनों राज्य मिलते हैं वहां पे स्थित पर्वत की बात की है दूसरे सवाल में। ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्नाई मलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ी, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ी, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी। तो जब हम लोगों ने पहला सवाल किया कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, इसी में हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है, नीलगिरी पर्वतमाला तीन राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो यहां भी कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। तो इन तीन राज्यों में किसका विस्तार है, कौन मिलन स्थल में होगा, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन टू। तो निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन के बारे में। बाकी का पहला जो ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी का विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य में, एक ही राज्य तमिलनाडु में है। और नंदी पहाड़ी का जो विस्तार है इसका विस्तार में कर्नाटक में देखने को मिलता है। बाकी जो नीलगिरी है इसका तीन राज्यों में मिलता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो भारतीय प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत, वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। ऑप्शन है ऑप्शन ए उटकमंड, ऑप्शन बी अनायमुड़ी, ऑप्शन सी दोताबेट्टा और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनायमुड़ी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, अनायमुड़ी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनायमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, वहां की एक पर्वत शिखर है। अब आगे बात कर लेते हैं इनके अदर ऑप्शंस की। तो इनका जो पहला ऑप्शन है उटकमंड, उटकमंडन क्या है, तो उटकमंड ऊटी को कहते हैं, आपने पढ़ा था उटकमंड ऊटी को कहते हैं। ऊटी आपका नीलगिरी पर्वत का एक शिखर है और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। उटकमंड कहां पड़ता है, तमिलनाडु। और जो अनायमुड़ी है ये पड़ता है आपका केरल में, इसीलिए ये केरल का भी सर्वोच्च शिखर है। भारतीय प्रायद्वीप के साथ साथ केरल का भी ये सर्वोच्च शिखर है अनायमुड़ी। दोदाबेट्टा, दोदाबेट्टा नीलगिरी में पड़ता है, नीलगिरी का सबसे ऊंचा इसका पर्वत शिखर है, नीलगिरी पहाड़ी का दोदाबेट्टा। दोदाबेट्टा आपका पड़ता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट ऑप्शन है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की बात करें तो ये पश्चिमी घाट का एक पर्वत शिखर है और महाबलेश्वर से ही निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर से ही होता है, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है कि कार्डमम पहाड़ियां जिसकी सीमाओं पर स्थित है, यानी ये पूछ रहा है कि कार्डमम पहाड़ी किनकी सीमाओं पर स्थित है, कौन से राज्यों की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। ऑप्शन ए है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो कार्डमम पहाड़ियां किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ है, पूरा दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ में आपका दो राज्य पड़ता है, या तो केरल या तो फिर तमिलनाडु। तो कर्नाटक तो होगा नहीं, ये दक्षिण की तरफ में पड़ता है, पूरा दक्षिण की तरफ है, लेकिन पूरी तरीके से पूरे दक्षिण में, भारत के पूरे दक्षिण में नहीं पड़ता, क्योंकि कार्डमम पहाड़ियां दक्षिणी हिस्से में, पूरे दक्षिणी हिस्से में। तो यहां से हम समझ सकते हैं कर्नाटक तो नहीं होगा, कर्नाटक में कार्डमम का विस्तार नहीं है। तो कर्नाटक वाले ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, कर्नाटक इसमें भी ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब यहां ऑप्शन देखिए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है आंध्र प्रदेश। अब हम लोग जानते हैं जो कार्डमम पहाड़ियां हैं, कार्डमम पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, या तो फिर ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं, और ये आंध्र प्रदेश आपका पूर्वी ओर पड़ता है, भारत के पूर्वी हिस्से में, और ये पूर्वी घाट के हिस्से में आता है। तो फिर आंध्र प्रदेश कार्डमम का कोई रिलेशन बनेगा नहीं, तो आंध्र प्रदेश यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो कार्डमम पहाड़ियां जो है वह केरल एवं तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ऐसे भी हम लोग कार्डमम पहाड़ी के बारे में पढ़े थे कि कार्डमम जो पहाड़ी है उसका विस्तार दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है आपका कार्डमम पहाड़ी। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल एक हिल स्टेशन है, ये किस पर्वत में स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए है पालनी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है विंध्याचल, ऑप्शन डी है अरावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पालनी। पालनी पर्वत में आपका कोडाइकनाल स्थित है, कोडाइकनाल हिल स्टेशन। आगे बात करें तो नीलगिरी में एक हिल स्टेशन है ऊटी, जिसको बोला जाता है उटक मंडल या फिर उटक मंडलम। ऑप्शन सी की बात करें विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत क्या करता है, भारत को दो हिस्सों में बांटता है। भारत का जो पठारी क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत भारत का पठारी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देता है, एक उत्तरी पठार एक दक्षिणी पठार। उत्तरी पठार की जो ढाल है वह है आपका गंगा नदी की तरफ, गंगा नदी तंत्र की तरफ, और जो दक्षिणी पठार की ढाल है वह है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो विंध्याचल पर्वत भारत के जो पठारी क्षेत्र है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। अरावली की बात करें तो अरावली भारत की और साथ ही साथ पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है अरावली पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी, भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से, सबसे नीचे की तरफ, सबसे दक्षिणी हिस्से में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ, इन ऑप्शंस में जो सबसे नीचे भारत के दक्षिण में पड़ता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है कार्डमम, ऑप्शन सी है पालनी, ऑप्शन डी है अन्नामलाई। तो इन चारों में सबसे दक्षिणी हिस्से में कौन सा है, भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से का पर्वत इन चारों में कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में है, इसका विस्तार दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। बाकी ऑप्शन की बात करें तो नीलगिरी आपका नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, अन्नामलाई भी नहीं होगा। कार्डमम के जो पूर्वी हिस्से है, कार्डमम पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में आपका पानी मिलता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ की पहाड़ियों का सीक्वेंस बताइए, तो इन चारों ऑप्शन का जो सीक्वेंस होगा, तो सबसे उत्तरी हिस्से में तो आपको मिलेगा नीलगिरी, सबसे उत्तरी हिस्से में मिलेगा नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगा अन्नामलाई, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद मिलेगा कार्डमम, अन्नामलाई के बाद मिलेगा कार्डमम, और कार्डमम के ही पूर्वी हिस्से में स्थित है पालनी की पहाड़ी, कार्डमम के पूर्वी हिस्से में स्थित है पालनी की पहाड़ी जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होगा। तो सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा है हमारा, कार्डमम पहाड़ी, सबसे दक्षिण भाग में है कार्डमम पहाड़ी। नेक्स्ट अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन कि अनायमुड़ी शिखर स्थित है, पूछा है अनायमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन सह्याद्री, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी और चौथा है पादमी। तो अनायमुड़ी शिखर की बात करें तो अनायमुड़ी शिखर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये हमारा स्थित है अनायमलाई की पहाड़ी में स्थित है। तो यहां तो कहीं अनायमलाई की पहाड़ी तो दिख नहीं रहा है, तो ये पूर्वी घाट तो होगा नहीं क्योंकि ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है, अनायमलाई पहाड़ी में स्थित है और वो पूर्वी घाट का हिस्सा है भी नहीं, तो पूर्वी घाट नहीं होगा, नीलगिरी की पहाड़ी भी नहीं होगा, पादमी की पहाड़ी भी नहीं होगा। अब यहां पे तो अनायमलाई दिख नहीं रहा है, तो आंसर होगा क्या? तो अनायमलाई की जो पहाड़ी है वो क्या है, दक्षिण भारत की पहाड़ी, और दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सह्याद्री, ए नंबर ऑप्शन सह्याद्री। अनायमुड़ी शिखर का जो स्थान है, जो स्थित है, कहां पे स्थित है, तो ये सह्याद्री में स्थित है। वैसे तो है ये अन्नामलाई की पहाड़ी, लेकिन अन्नामलाई किसका हिस्सा है, सह्याद्री का ही हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर एट कि निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है, जो समुद्र तल है उससे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें जो पर्वत श्रृंखला, जो पर्वत चोटी सबसे ऊंचे स्थान पे होगा वही समुद्र तल सबसे ऊंचे स्थान पे होगा, तो इस ऑप्शन में जो सबसे ऊंचे स्थान पे होगा वही होगा आंसर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है पंचमणि, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है दोदा बेट्टा और चौथा ऑप्शन है अनायमुड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी, अनायमुड़ी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनायमुड़ी पूरे दक्षिण भारत का, पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है अनायमुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और अनायमुड़ी के बाद जो दूसरा पर्वत चोटी होगा ऊंचाई में वह होगा दोदा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आपका अनायमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, दोदा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, पारसनाथ आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन नंबर एट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक भाग है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन में जो पर्वत दिए गए हैं, इस ऑप्शन में वो कौन सा पर्वत है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक भाग, एक हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट और डी है हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत रखा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक भाग है हमारा पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला सवाल है विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी। तो विंध्य पर्वत के बाद जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इधर विंध्य पर्वत के बाद इधर नीचे की तरफ वाले हिस्से में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह सवाल दूसरे तरीके से पूछा गया, लेकिन यह पूछ क्या रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सवाल यही है, लेकिन इसका पूछने का तरीका चेंज है। इसने किस तरीके से पूछा कि विंध्य के दक्षिण में, विंध्य के दक्षिण क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, तो दक्षिणी भारत विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सवाल एक ही है, बस इसको घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है बाबा बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन बी है मुल्यानगिरी, ऑप्शन सी है अनायमुड़ी, ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, तो अभी हमने बात किया कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह हमारा है ऑप्शन सी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये आपका पड़ता है केरल में, इसीलिए केरल का भी सबसे ऊंची चोटी है और यह कहां पड़ता है, तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी में पड़ता है, अन्नामलाई की पहाड़ी में इसका देखने को मिलता है ये पर्वत चोटी, अन्नामलाई की पहाड़ी में ये पर्वत चोटी स्थित है। आगे बात करें बाबा बुदन, तो बाबा बुदन की पहाड़ी आपको मिलता है कर्नाटक में और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है। और नीलगिरी की पहाड़ी में दोदा बेट्टा पर्वत चोटी मिलता है, दोदा बेट्टा पर्वत चोटी आपका पूरे दक्षिण भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी है
दोदा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनायमुड़ी। तो ये जो सवाल है इसको बहुत तरह से क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पूछ दिया है विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी, विंध्य के दक्षिण मतलब प्रायद्वीपीय भारत की बात की है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी ये भी सवाल बनेगा, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये भी सवाल बनेगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा जो अंतिम सवाल वह है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सवाल यही है, इसको अलग तरीके से पूछा, इसको अलग तरीके से पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है दोदाबेट्टा, ऑप्शन बी अनायमुड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी धूपगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी, ऑप्शन बी राइट होगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरे नंबर की है दोदाबेट्टा। ये नीलगिरी में स्थित है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी सबसे दक्षिणी हिस्से में है आपका, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में पड़ता है, सबसे दक्षिणी हिस्से में पर्वत है, पर्वत छोटी है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका में क्या क्या बदलाव किया गया। पहला पूछा गया विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी, इसका भी आंसर अनायमुड़ी। फिर पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका भी अनायमुड़ी। उसके बाद यहाँ पे भी एक सवाल बना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इसका भी आंसर अनायमुड़ी। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सवाल क्रिएट करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दक्षिण भारत की पहाड़ियों से संबंधित सवाल, हिल्स ऑफ साउथ इंडिया से जुड़े हुए जितने भी सवाल बने हैं अभी तक एग्जाम में, इन सभी सवालों को हम लोगों ने कर लिया। यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत एग्जाम में। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।